न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एनआईए के टारगेट पर आए विश्नोई ब्रदर्स, अनमोल विश्नोई पर 10 लाख रुपए के इनाम। हम फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। झामुमो ने भाजपा छोड़कर आए गणेश महली को चंपाई सोरेन के खिलाफ मैदान पे उतारा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एनआईए के टारगेट पर आए विश्नोई ब्रदर्स अनमोल विश्नोई पर 10 लाख रुपए के इनाम। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस के साथ साथ उनके भाई अनमोल का नाम भी सामने आया था, जिस पर अब एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया है। जांच में ये बात सामने आई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में शामिल आरोपी अनमोल के संपर्क में भी बने हुए थे। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। हम फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। झारखंड के मांडा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे बताए। उन्होंने कहा कि हम वैसे नेताओं में से नहीं है जो सिर्फ चुनाव के वक्त काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार मांडर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और हम फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आई बढ़ते अगली खबर क्या। झामुमो ने भाजपा छोड़कर आए गणेश माली को चंपई सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की सरायकेला विधानसभा सीट पर गणेश माली को उम्मीदवार बनाया है, जबकि खुंटिया सीट पर पूर्व घोषित उम्मीदवार स्नेहलता कंडुलाना की जगह अब राम सूरज मुंडा को टिकट दिया गया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के हस्ताक्षर से गुरुवार देर रात जारी चौथी सूची में इनकी उम्मीदवारी घोषित की गई है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा हाई टू डेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर दे सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लैग भी दे सकते हैं। और वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।